नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ ही एंड शी। ही और शी का यूज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद एक चीज रखनी है कि ही इज यूज्ड फॉर मेल, यानी ही का यूज किया जाता है मेल यानी आदमी के लिए या लड़के के लिए। शी इज यूज्ड फॉर फीमेल या गर्ल के लिए। तो मेल के लिए तो ही का यूज करना है आपको, और शी का यूज फीमेल या गर्ल के लिए करना है। तो यहां पर सबसे पहले अपन थोड़े एग्जांपल लेके इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ही इज कमल, वह कमल है। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो वह 20 साल की उसकी उम्र है। तो यहां पर ही का यूज आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहां देखे तो शी का यूज किस तरीके से होगा, तो शी का यूज शी इज पिंकी, वह पिंकी है। शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी क्योर्स द सिक्स, तो वह किन की मदद करती है, जो बीमार होते हैं उनकी मदद करती है। तो यहां पर हम ही और शी का यूज इस तरीके से करेंगे। तो अब हम सीखेंगे यूज ऑफ हीज एंड हर। तो हीज और हर का यूज करना है आपको कैसे, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेलिंग याद रखनी है आपको। वो है शी, शी का मतलब होता है वह, फीमेल के लिए इसका यूज होता है। ही यानी वह, मेल के लिए इसका यूज होता है। दिस यानी यह, पास की चीजों के लिए। दिस का मतलब क्या होता है, यह, पास की चीजों के लिए। हीज यानी उसका या उसकी, तो मेल के लिए इसका यूज किया जाता है हीज का। और हर का उसका या उसकी, और फीमेल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहां बिना देर के हुए अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हीज का यूज होता है वो मेल के लिए, और हर इज यूज फॉर फीमेल। तो यहां देखें अपन सबसे पहले तो दिस इज अरुण, यह अरुण है। दिस इज हीज कार, यह उसकी कार है। दिस इज हीज गिटार, यह उसकी गिटार है। तो यहां मेल के लिए हीज का यूज आ रहा है। अब अपन देखते हैं फीमेल के लिए हर का यूज। तो दिस इज प्रीति, यह प्रीति है, ठीक है। और दिस इज हर फैमिली, तो यह उसका परिवार है। दिस इज हर पर्स, यह उसका पर्स है। तो यहां पर फीमेल के लिए हर का यूज आता है और मेल के लिए हीज का यूज आता है।